तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बिजनौर से आपको बताते चले, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में बिजनौर में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है। रस्सियों से बांधकर युवक को जमकर पीटा गया है। रस्सियों से बांधकर युवक की पिटाई की गई और बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हुआ है। युवक पर महिला को छेड़ने का आरोप लगा था और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। थाना कोतवाली शहर के झलरी गांव का ये मामला बताया गया है और ये तस्वीरें बिजनौर की है जहां एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। रस्सियों से बांधकर युवक को पीटा गया है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये थाना क्षेत्र कोतवाली से संबंधित है। इसमें जो युवक है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, घर वाले इसको घर में ही बंद करते थे। इसका उपचार डॉक्टर अनंत राणा के यहाँ से चल रहा है। अभी 3 दिन पहले घर से निकल गया था, परिजन उसे ढूंढ भी रहे थे। इसके बाद इसने 13 तारीख को एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, उसे चोट पहुंचाई। उसके अगले दिन फिर इसने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, इसे चोट पहुंचाई। इस संबंध में युवक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही जिन लोगों द्वारा इसके साथ मारपीट की गई उनकी पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कथनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर शकीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकीर, देखिए, महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है, पुलिस ने क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, झलरा गांव का ये मामला है और इसमें एक युवक को छेड़छाड़ के मामले में रस्सी से बांध के पिटाई की गई है, एक तालिबानी सजा दी गई है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि ये जो लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है जिस व्यक्ति के साथ, वो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, उसकी दवाई भी चल रही है और इसीलिए उसने इस तरह की छेड़छाड़ की है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। और जिन लोगों ने उसकी पिटाई की है उनके आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठीक है, देखिए शकील, जिस युवक को रस्सियों से बांधकर पीटा गया है, आपने जिक्र किया कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त बताया जा रहा है, अब आगे पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगी क्योंकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है? देखिए, पुलिस ने जो है एक्शन लिया है, अब FIR दर्ज कर ली है आरोपी के खिलाफ भी। अब पुलिस सबसे पहले उसका जो मानसिक वो है उसका वेरिफिकेशन करेगी कि वाकई में वो मानसिक रूप से परेशान है या नहीं, उसी के आधार पे जो है अगली कार्रवाई होगी। और ये बात संजीव जो है वाजपेयी SP सिटी बिजनौर, उन्होंने अपने जो बयान है उसमें कही है। ठीक है, धन्यवाद शकील इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।